टटरस का मुंह इन थैलियों में आसानी से फंस जाता है ऐसे, और दुख की बात यह है कि टटरस इन थैलियों को निकाल भी नहीं पाते और उनकी मौत हो जाती है। प्लास्टिक दुनिया में एटम बम के बाद दूसरा सबसे खतरनाक इन्वेंशन है जो मनुष्य ने किया। प्लास्टिक की खोज 1907 में लियो बेकलेन ने की थी और उसके बाद तो प्लास्टिक के प्रोडक्शन में रिवोल्यूशन ही आ गया। तब से लेकर आज तक हम मिलियंस ऑफ प्लास्टिक का प्रोडक्शन कर चुके हैं और प्लास्टिक ने हम इंसानों की जिंदगी तो आसान बना दी पर किसी और की जिंदगी को कैद करके रख दिया। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ओशन और उसमें रहने वाले एनिमल्स की। आज जो प्लास्टिक हमारे हर काम का अहम हिस्सा बन चुका है, वही प्लास्टिक इन जगहों की मौत का कारण भी बन चुका है और वो भी आज से नहीं कई सालों से। वेलकम टू माय वीडियो और आप देख रहे हैं कोशिश चैनल को, और आज बात करने वाले हम प्लास्टिक के बारे में जो मरीन लाइफ या मरीन लाइफ में रहने वाले जीवों को कितना इफेक्ट करता है। हर साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक हमारे ओशन में ठाल दिया जाता है जो कि मरीन लाइफ के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्लास्टिक पोल्यूशन का सबसे बुरा इम्पैक्ट मरीन एनिमल्स जैसे फिश, टर्टल, वेल्स और यहाँ तक कि बर्ड्स को भी होता है। टर्टल्स का एग्जांपल लेके देखें तो टर्टल्स को प्लास्टिक बैग से बहुत परेशानी होती क्योंकि ये इन्हें जेलीफिश समझ के खा लेते हैं और ये प्लास्टिक उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से उनकी मौत होती है। रिसर्च से पता चलता है ओशन एनिमल्स की 270 से ज्यादा स्पीसीज पर प्लास्टिक के टुकड़े खाने से उनको उल्टी और मरने का खतरा सबसे ज्यादा है। हर साल 10 लाख से ज्यादा टर्टल्स प्लास्टिक के टुकड़े खाने से मारे जाते हैं और साथ ही ये प्लास्टिक की थैलियां भी टर्टल्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। टर्टल्स का मुंह इन थैलियों में आसानी से फंस जाता है ऐसे, और दुख की बात यह है कि टर्टल्स इन थैलियों को निकाल भी नहीं पाते और उनकी मौत हो जाती है। और साथ ही मछलियां भी छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े जिसे माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं उन्हें वो अपना फूड समझ के खा लेते हैं और यही छोटे प्लास्टिक के टुकड़े उनके शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं और मछलियों की मौत का कारण बनते हैं। और अगर वही मछलियां हम कंज्यूम करते हैं तो वही माइक्रो प्लास्टिक के छोटे टुकड़े हमारे शरीर में भी आते हैं और हमारी हेल्थ को भी खराब करते हैं। अब इस पॉइंट को हाईलाइट करना बहुत जरूरी क्योंकि हम इंसान बहुत मतलबी हैं, हजारों लाखों एनिमल्स मारे जाए फिर भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर वही दूसरी ओर एक इंसान को हार्ट अटैक आ जाए तो दूसरे दिन 100 लोग रनिंग करना शुरू कर देंगे क्योंकि अगर खुद पर मौत की तबर हो तो हम डिसीजन यू लेते हैं। और रही बात बर्ड्स की तो बर्ड्स भी प्लास्टिक पोल्यूशन से काफी अफेक्टेड है। बर्ड्स अपने घोंसले में प्लास्टिक के टुकड़े कलेक्ट करते हैं और कभी कभी तो अपने बच्चों को भी प्लास्टिक खिलाने की कोशिश करते हैं और ये उनके लिए खतरनाक साबित होता है। मरीन एनिमल्स का प्लास्टिक में फंस जाना बहुत कॉमन है। फिशिंग नेट्स, प्लास्टिक रिंग, थैलिया ये इनमें ट्रैप हो जाते हैं और फंस जाते हैं और मूव नहीं कर पाते जिसकी वजह से इवेंचुअली इनकी मौत होती है। और ये सारा प्लास्टिक वेस्ट आता कहां से, तो उनमें से 80% ओशन प्लास्टिक वेस्ट आता है लैंड बेस्ड सोर्सेज से और जिसमें हम लिटरिंग, रिसाइकलिंग और मिसमैनेज वेस्ट को इंक्लूड करते हैं। और इसके अलावा भी सिप से होने वाला लीकेज प्लास्टिक पोल्यूशन का बड़ा कारण है। प्लास्टिक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि वक्त के साथ मिट्टी में नहीं मिलता, जैसा है वैसे का वैसा ही सालों साल रहता है। और जब ये प्लास्टिक छोटे पार्टिकल्स में बदल जाता है जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, ये माइक्रो प्लास्टिक थ्रू आउट द ओशन सरफेस से लेकर डीप सी तक और यहाँ तक आर्कटिक सी में भी ये माइक्रो प्लास्टिक आसानी से मिल जाता है। माइक्रो प्लास्टिक से सही मायने में ह्यूमन हेल्थ को क्या परेशानी होती है वो किसी को नहीं पता। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती माइक्रो प्लास्टिक से, सिर्फ कैंसर ही होता है और आजकल कैंसर से तो कोई नहीं मरता है। अफसोस मुकेश बच नहीं सका। सो ये सब बात हुई प्रॉब्लम्स की। अब अगर प्रॉब्लम हम है तो उसका सॉल्यूशन भी हम ही है। अब जिस साल में हम है ऐसे में किसी भी तरह का प्लास्टिक हम पूरी तरह से उसे अवॉइड तो नहीं कर सकते, हमें ना चाहते हुए भी उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा जब तक कि कोई उसका प्रॉपर ऑप्शन ना मिल सके। ऑप्शन तो अभी भी बहुत सारे हैं पर प्लास्टिक सबसे सस्ता है और पैसे बचाता है। अब चाहे देश हो या कंपनी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो पर अपना नुकसान तो नहीं करवाना चाहेगी, पर हम जो कर सकते हैं वो है सिंगल यूज प्लास्टिक को कम से कम यूज करें, जिस चीज की जरूरत ना हो उसे यूज ना करें, यानी कि स्ट्रॉस, बेवजह चीजों की शॉपिंग ना करें। पर ये हम पे लागू नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए भी पैसे चाहिए। और जो गवर्नमेंट और एजेंसी कर सकती है वो है एक सही वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। अपने प्रोड्यूस वेस्ट को आप जितना मैनेज, रिड्यूस, रिसाइकल कर पाओगे उतना ही ओशन पोल्यूशन कम होगा और साथ ही इनके जीने के कुछ और दिन बढ़ जाएंगे। देखो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है पर हम सब मिलकर भी उसे सॉल्व ना कर पाए इतनी भी बड़ी नहीं। कुछ सिंपल स्टेप बोलने या करने में बहुत छोटे लगते पर वही स्टेप 1 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़ लोग करे तो उसके मायने बदल जाते हैं। आप एनजीओ ज्वाइन कर सकते हो जो ओशन वेस्ट को निकालने का काम करता है। बीच की साफ सफाई वाले इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। हर छोटे से छोटा कदम मायने रखता है। हमारे समुद्र और मरीन लाइफ को बचाने का आपका छोटा सा एफर्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए इकोसेव चैनल को सब्सक्राइब करें।